वाकई एनएफओ में आज बात एक नए बैलेंस एडवांटेज फंड की। कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड एक नया बैलेंस एडवांटेज फंड लेकर आई है। एनएफओ 12 जुलाई को खुला है और 26 जुलाई को बंद होगा, फिर 9 अगस्त से खरीदारी और बिक्री के लिए रीओपन होगा। ये एक ओपन एंडेड डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है। इस कैटेगरी के फंड बाजार की अलग अलग फेजेस या साइकिल में स्कीम के एलोकेशन को बदलते हैं। बाजार के अच्छे प्रदर्शन के समय शानदार रिटर्न देने की कोशिश होती है और गिरावट वाले बाजार में निवेशक के डाउनसाइड रिस्क को कम करने की कोशिश रहती है हमेशा। ये एक हाइब्रिड स्कीम होते हैं जिसमें इक्विटी और इक्विटी से जुड़े निवेश के अलावा फिक्स्ड इनकम का हिस्सा भी रहता है। डायनामिक एलोकेशन फंड्स की खास बात यह होती है कि इसमें फंड मैनेजर को इक्विटी एलोकेशन को 100% तक ले जाने की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। कैनरा रोबेको बैलेंस एडवांटेज फंड में और उसके बाद आप ₹1,000 का एक मिनिमम निवेश से भी इसमें आप निवेश शुरू कर सकते हैं और उसके बाद ₹1 के मल्टीपल में आप निवेश कर पाएंगे। इसका बेंचमार्क इंडेक्स होगा क्रिसल हाइब्रिड 50-50 मॉडरेट इंडेक्स। स्कीम की निवेश की रणनीति पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं गौरव गोयल, नेशनल हेड सेल्स एंड मार्केटिंग कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड। थैंक यू सो मच मिस्टर गोयल, आपने वक्त निकाला मनी नाइन के लिए। वेलकम टू मनी नाइन। बट समथिंग विच इज रियली यू नो इंट्रीग कर रही है मुझे कि जब आपकी इंडस्ट्री में एक के बाद एक हम लगातार देख रहे हैं थीमैटिक और सेक्टोरल फंड जो है लॉन्च हो रहे हैं और काफी हिट है इन्वेस्टर्स के बीच में, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, ऐसे में कैनरा रोबेको लेकर आया है इक्विटी और डेट के बैलेंस से एडवांटेज दिलाने वाली स्कीम, तो कैसे अलग रहेगी आपकी स्कीम और निवेशकों से आपको किस तरह के रिस्पॉन्स की उम्मीद है? क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है इन्वेस्टर्स आर ऑल गंगू अबाउट यू नो सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स। थैंक यू सो मच प्रियंका जी फॉर इन्वाइटिंग अस, और आपने बिल्कुल सही बोला। इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब हम इक्विटी, एक तरफ तो इक्विटी के इनफ्लोज बिल्कुल लाइफ टाइम हाई है एंड वी आर हिटिंग द हाईएस्ट इनफ्लोज इन द मार्केट, बट द अदर साइड अगर हम देखते हैं तो वो बड़े कॉन्सेंट्रेटेड नेट फ्लोज हैं और लार्जली थीमेटिक फंड स्मॉल एंड मिड कैप में हमने देखा है कि मेजोरिटी ऑफ द फ्लोज इन प्रिडोमिनेंटली वहाँ पे बहुत हायर फ्लोज हैं। डेफिनेटली थीमेटिक फंड्स में पिछले अगर हम देखें पास्ट परफॉर्मेंस पिछले एक साल का तो अच्छे रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिले हैं कई डिफरेंट थीम्स में, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि फ्लोज वहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं और रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा हैं, हमें लगता है कि मे बी लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर जस्ट लुकिंग एट द लास्ट वन ईयर रिटर्न टू ईयर रिटर्न्स एंड मे बी देयर डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड टू एलोकेट मच मोर देयर इन दोज फंड्स। और इस तरह के माहौल में अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कि इक्विटी और फिक्स्ड इनकम दोनों का समावेश हो, और बेसिकली अगर आप देखें तो फिक्स्ड इनकम भी बहुत अच्छा लगता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट्स अगर कम होंगी तो वहाँ पे भी इन्वेस्टर्स को फायदा होगा, और इक्विटी इस तरह का समावेश जिसमें कि डाउनसाइड को भी प्रोटेक्ट किया जाए, तो वो एक कॉम्बिनेशन बैलेंस एडवांटेज फंड में मिलता है। और इसलिए हमें लगता है कि बहुत ही अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि आज जितना भी हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स का अमूमन माना जाता है कि जो इन्वेस्टर का जो रिटर्न है और जो फंड का रिटर्न होता है, ठीक है, उसमें एक डिफरेंस रहता है, और वो डिफरेंस इसलिए रहता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द बिहेवियरल एस्पेक्ट, और बिहेवियरल एस्पेक्ट में बेसिकली नथिंग बट ग्रीड एंड फियर विच एक्चुअली इन्फ्लुएंस द एक्शंस। सो एक ऐसा फंड जो कि मॉडल बेस्ड होगा जहाँ पे कि फंड मैनेजर अपने जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, जो हमारे मॉडल है, उसके बेस्ड पे इक्विटी एलोकेशन को डायनेमिकली एलोकेट करेंगे, वो हमें लगता है कि बहुत सूटेबल रहेगा फॉर द इन्वेस्टर्स इन दीज काइंड ऑफ मार्केट्स। ओके, सो जो कीवर्ड्स मैं पिक कर रही हूँ, बिहेवियरल बायस को बीट करने के लिए ये इस कैटेगरी के फंड्स जो हैं वो काम करते हैं, और जाहिर तौर पर बाजार अब ओवरवैल्यूड भी कई एक्सपर्ट्स को लग रहे हैं, तो ऐसे में एक ऐसा फंड जो आपके लिए डिसीजन ले रहा होगा, और अक्सर वो जो फीड ये ग्रीड और उसके बीच में जो एक वो रहता है ना गैप, उसको फिल करने की यहाँ पर कोशिश होगी। तो मुझे ये बताइए कि आपके डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में सबसे ज्यादा खतरा क्या, लोगों को सबसे ज्यादा क्या डर रहता है? फियर एंड ग्रीड में फियर ये रहता है कि बाजार जब गिरेगा तो मेरे निवेश का क्या होगा, तो मुझे बताइए कि इसमें डाउनसाइड रिस्क को आप लोग कैसे कम करेंगे? नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है, और कई बार मार्केट्स में जब हमें लगता है तो हमने जो ये मॉडल बनाया है इट इज अ 3-फैक्टर मॉडल, और इसमें 3 फैक्टर्स हैं जो कि इस मॉडल का समावेश जो कि मॉडल को गाइड करते हैं कि कितना इक्विटी एलोकेशन होना चाहिए। पहला है जो कि प्राइस टू बुक वैल्यू है,
क्योंकि एक आज बैलेंस शीट जो है कंपनी की उसका स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो प्राइस टू अर्निंग है, और ये फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग है कि आज क्या अर्निंग एस्टिमेट्स हैं, क्या अर्निंग ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। और तीसरा होता है जो कि इक्विटी रिस्क प्रीमियम जिसको बोला जाता है, जो कि रिलेटिवली डिफरेंस बिटवीन द अर्निंग यील्ड एंड बॉन्ड यील्ड, कि आज बॉन्ड का क्या यील्ड है और अर्निंग इक्विटी में क्या अर्निंग यील्ड है उसके डिफरेंस पे। तो इन तीनों के जो कंपोनेंट्स को हमने इंक्लूड करके एक मॉडल जो बनाया है वो हमें गाइड करता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिट स्कोर विच विल कम, कि इस समय इक्विटी एलोकेशन कितना होना चाहिए। और जो फंड मैनेजर होंगे इस इक्विटी फंड में, बैलेंस एडवांटेज फंड में, अगर उनको लगता है कि ये बाजार बहुत महंगा है और ये तीनों इंडिकेटर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि इक्विटी एलोकेशन कम होना चाहिए, तो उस फंड में ही वो दे कैन एक्चुअली रिड्यूस द इक्विटी एलोकेशन टू एज लो एज 30%। और इफ दे थिंक दैट ओके दैट मार्केट इज यू नो चीप एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे शुड इंक्रीज द इक्विटी एलोकेशन, तो ये 90% तक फंड मैनेजर उसको इक्विटी में लेके जा सकते हैं। तो जो 30 to 90 का जो बैंड है उसको डायनेमिकली फंड मैनेजर विल बी एबल टू मूव देयर इक्विटी एलोकेशन। और सबसे बड़ी बात यह है इन्वेस्टर्स के लिए कि ये बहुत ही जो मूवमेंट होगा तो ये टैक्स एफिशिएंट वे में है, क्योंकि अगर आज कोई भी इक्विटी फंड में हम बात करते हैं तो मिनिमम 65% का इक्विटी एलोकेशन होना चाहिए। यहाँ पे भी हम ग्रॉस एक्सपोजर 65% रहेगा, लेकिन ये जो इक्विटी एलोकेशन हम करेंगे उसमें टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए, और बड़ा ही टैक्स एफिशिएंट वे में वो रीबैलेंसिंग इसका रहेगा फोर्टनाइटली जो हम करेंगे रीबैलेंसिंग। तो इसका टैक्सेशन इक्विटी के आधार पर होगा, इक्विटी वाली टैक्सेशन बिल्कुल को ये फॉलो करने वाला है, राइट? तो इक्विटी बिल्कुल एलोकेशन को अगर मैं आपको कहूँ, मुझे ब्रेक डाउन करके बताइए कि इक्विटी एलोकेशन आप लोग किन फैक्टर्स पर तय करने वाले हैं। आपने थोड़ा सा अभी उसे बताया, पर मैं ब्रीफली आपके जो जो फैक्टर्स हैं उनको चाहूंगी कि आप जरा हमारे लिए एक बार हाईलाइट कर दीजिए, इक्विटी एलोकेशन के फैक्टर्स। हमने डिफरेंट मॉडल्स को स्टडी किया और हमारी इन्वेस्टमेंट टीम ने डिफरेंट मॉडल्स को स्टडी करने के बाद मार्केट में भी कई बैलेंस एडवांटेज फंड्स, और हमने देखा कि कई मार्केट सिचुएशंस में मे बी दे आर नॉट डूइंग जस्टिस। तो हमने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जो मॉडल आफ्टर 1 1.5 ईयर्स ऑफ यू नो स्टडी जो बनाया है उसमें तीन फैक्टर्स हमने लिए हैं। और ये जो तीन फैक्टर्स हैं, तो पहला फैक्टर है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू एक बड़ा स्टेबल इंडिकेटर रहता है क्योंकि बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी को डिनोट करता है, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो कंपनी में चेंजेस हैं उसको कैप्चर करता है। दूसरा एक फैक्टर है जो कि प्राइस टू अर्निंग है, कि कितना अर्निंग ग्रोथ आपका मार्केट में आपको लग रहा है, और इसमें हमने ट्रेलिंग की जगह हमने फॉरवर्ड पी लिया है, और फॉरवर्ड पी हमें बताता है कि क्या अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बिकॉज वो मॉडल में इनबिल्ट करना जरूरी है आपको इक्विटी एलोकेशन चेंज करने के लिए। और एक तीसरा फैक्टर है जो कि इक्विटी और डेट दोनों का एसेट क्लास में कौन सा अट्रैक्टिव है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और कितना एलोकेशन किस एसेट क्लास में करना चाहिए उसको इंडिकेट करता है, जिसको कि हम बोलते हैं इक्विटी रिस्क प्रीमियम। इक्विटी रिस्क प्रीमियम अगर मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो एक डिफरेंस होता है अर्निंग यील्ड का और बॉन्ड यील्ड का। बॉन्ड यील्ड फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आज 10 ईयर इंडियन जीसेक इज ट्रेडिंग एट 7%, और अगर आज हम बोलते हैं कि मार्केट इज ट्रेडिंग एट 20 PE तो दैट मीन्स अर्निंग यील्ड इज 5%, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 200 बेसिस पॉइंट। तो ये जो तीनों का कंपोनेंट्स का जो समावेश होता है उसके बेसिस पे हमें एक कंपोजिट स्कोर मिलता है। ये हमने इंटरनली प्रोप्राइटरी मॉडल डेवलप किया है, और उसके बेसिस पे फंड मैनेजर को ये गाइड करते हैं कि कितना इक्विटी में इस समय एलोकेशन करना चाहिए। इसको हमने टेस्ट किया, तो पिछले 20 साल तक का हमने जो मार्केट का रिकॉर्ड है उस पर हमने टेस्ट किया, और हमने पाया कि ये जो मॉडल है ये बहुत ही ब्यूटीफुली डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करता है, जो कि आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया। तो जो अपसाइड का जो पार्टिसिपेशन है इस मॉडल के थ्रू, हमें 80% तक का अपसाइड पार्टिसिपेशन होता है, कि मार्केट जब ऊपर चढ़ता है तो इन्वेस्टर्स को 80% तक का इसमें पार्टिसिपेशन मिलता है, और जब मार्केट डाउन होता है तब उसमें इसका बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन रहता है, और 60% तक डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आपका अपसाइड पार्टिसिपेशन 80% है मिनिमम और डाउनसाइड प्रोटेक्शन 60% है, तो डेफिनेटली ओवर अ साइकिल ऑफ द फंड जब आप 3 से 5 साल तक के लिए उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इन्वेस्टर को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वोलेटिलिटी जो मार्केट में आज इनहेरेंट है, क्योंकि हमेशा हमें मार्केट में एक चीज जो निश्चित है वो एक वोलेटिलिटी, तो उस वोलेटिलिटी को एक कैप्चर करके कस्टमर के लिए बेनिफिट क्रिएट करता है, क्योंकि डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करता है और ओवरऑल इन्वेस्टर एक्सपीरियंस अच्छा रहता है इस फंड। मिस्टर गोयल, क्योंकि हमने बात की इसमें टैक्सेशन इक्विटी के हिसाब से होगा, इक्विटी के सिलेक्शन की हमने बात की है, तो मुझे ये भी बता दीजिए आप, क्योंकि इसका एक हिस्सा फिक्स्ड इनकम में भी रहेगा और आप वहाँ पे एक एक थर्ड फैक्टर जो है वो डेट को भी कंसिडर करेगा कि कितना रखना है, तो फिर डेट के हिस्से की स्ट्रैटेजी आप लोग कैसे तय करने वाले हैं? जी बिल्कुल। तो इसमें जो इक्विटी का जो स्ट्रेटेजी होगा उसमें प्रिडोमिनेंटली हमारा मिनिमम 70% लार्ज कैप
कंपनीज में हम इन्वेस्ट करेंगे जो कि टॉप 100 कंपनीज हैं इंडिया की बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, और अप टू 30% वी विल टेक इट इनटू अ मिड कैप एंड स्मॉल कैप. तो एक फ्लेक्सी कैप जैसा स्ट्रेटेजी होता है उस तरीके से हम इसको मैनेज करेंगे. डिपेंडिंग अपॉन द फंड मैनेजर व्यू दे कैन गो प्लस माइनस 10%, बट प्रिडोमिनेंटली लार्ज कैप बाइस रहेगा, प्रिडोमिनेंटली लार्ज कैप कंपनीज रहेंगी मिनिमम 70%. जो फिक्स्ड इनकम का जो हमारा पोर्टफोलियो होगा तो उसमें वी आर वेरी क्लियर कि वी विल टेक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऑफ ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटी ऑफ हाईएस्ट क्रेडिट सिक्योरिटीज और सॉवरेन सिक्योरिटी. इस तरह का हमारा एक इसमें पोर्टफोलियो रहेगा और उसमें भी बहुत ही एक्टिव ड्यूरेशन मैनेजमेंट हम मैनेज करेंगे ताकि इन्वेस्टर्स का हम कोई भी किसी तरह का भी कोई क्रेडिट रिस्क इसमें पोर्टफोलियो में नहीं लेंगे, कोई भी इस तरह का पेपर नहीं लेंगे जहाँ पे कि लोअर रेटिंग के पेपर्स हों. तो ऑल ट्रिपल ए रेटेड एंड हाईली रेटेड क्वालिटी पेपर्स वी विल टेक इन ऑन द फिक्स्ड इनकम साइड. ओके, सो लार्ज कैप रहेगा प्रीडोमिनेंटली और मिड कैप और स्मॉल कैप का हिस्सा रहेगा. फिक्स्ड इनकम में ट्रिपल ए रेटिंग और अच्छे जो क्रेडिट हिस्ट्री वाली कंपनीज को हम देखेंगे. ऑलराइट, अब मुझे ये बताइए, आपने अभी जिक्र भी किया था बैक टेस्टिंग डेटा. सो जो आपका प्रेजेंटेशन है उसे मैं देख रही थी, उसमें मार्केट की वॉलिटिलिटी को हैंडल करने में आपने ये टेस्ट किया कि ये बैथ जो है वो ज़्यादा कामयाब रहता है. तो मैं चाहूँगी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए. मार्केट वॉलिटिलिटी के वो चार्ट्स भी हम दिखाएंगे जब आप बता रहे होंगे, और मैं चाहूँगी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि मार्केट वॉलिटिलिटी को इसने कैसा हैंडल किया है, आपका बैक टेस्टिंग डेटा क्या कह रहा है. नहीं बिल्कुल, तो हमने जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि हमने 20 साल तक के इसमें इसको मॉडल को टेस्ट किया जो हमारा लास्ट 20 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, और डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में इसने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं. अगर मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँ तो अगर आप ये देखें, जब भी मार्केट नेगेटिव है या जब भी मार्केट फ्लैट है या जब भी मार्केट में लोअर सिंगल डिजिट में रिटर्न्स हैं, तो इस मॉडल ने आउट परफॉर्म किया है जो बेंचमार्क है उसको. और BSE 200 जो हम इक्विटी के लिए ले रहे हैं, बाकी बेंचमार्क तो हमारा CRISIL 50-50 इंडेक्स है. और जब भी मार्केट में 15% से ज़्यादा डबल डिजिट से ज़्यादा रिटर्न है, तो डेफिनेटली जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि 80% तक का पार्टिसिपेशन इसमें अपसाइड में रहा है. तो क्लियरली डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में इसने बहुत अच्छा काम किया है. और जो इसका एक मेन जो हार्ट ऑफ द मैटर इज कि डाउनसाइड को बहुत अच्छी तरह प्रोटेक्ट करना है, कस्टमर की वॉलिटिलिटी को कम रखना है, वो हर मार्केट कंडीशन में इसने बखूबी जो हमारा मॉडल है पिछले 20 साल का जो हमने डेटा है उसके हिसाब से बहुत अच्छा उसने उसको प्रोटेक्ट किया है. अगर मैं ओवरऑल बात करूं लास्ट 20 इयर्स का जो रिटर्न एक्सपीरियंस है, तो करीबन 13% का रिटर्न एक्सपीरियंस इन्वेस्टर को इसमें ऑन द बेसिस ऑफ बैक टेस्टिंग डेटा इन्वेस्टर्स को इसमें मिल रहा है. सो रिटर्न, सबसे बड़ी बात जो इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं वो होता है रिटर्न कैसा मिलेगा. तो रिटर्न के फ्रंट पर जो मैं समझ रही हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक ये बैफ स्कीम है और इक्विटी के मुकाबले यहाँ हम कम और डेट से हम ज़्यादा रिटर्न देखते हैं, एक मिडिल पाथ में रहेगा. जो आप लोगों ने भी एक अपने प्रेजेंटेशन में जो शेयर किए हैं पिक्चर, उससे ये दिख रहा है कि बैफ इज समवेयर इन बिटवीन इक्विटी और डेट. मतलब इक्विटी से थोड़ा कम आपको निवेश रिटर्न मिल रहा होगा, डेट से थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा होगा. तो क्या हम माने कि ये उस तरह के लोगों के लिए जो म्यूटेड रिटर्न के लिए तैयार हैं एज कम्पेयर टू इक्विटीज़, का रिटर्न थोड़ा म्यूटेड रहेगा. नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की और आपने बिल्कुल सही बोला. तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आप देखें कई अगर पिछले 12 साल में 15 साल में अगर आप देखें, तो किसी साल में इक्विटी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, कुछ सालों में फिक्स्ड इनकम ने अच्छा रिटर्न दिया है, डेट ने अच्छा रिटर्न दिया है. लेकिन बैफ अगर आप देखें तो बैलेंस एडवांटेज फंड एज ए कैटेगरी जो ये फंड्स हैं वो हमेशा लार्जली मोस्ट ऑफ द टाइम्स हैव बीन इन द मिडिल. तो हमेशा एक विनिंग स्ट्रीक पे रहे हैं कि कस्टमर को लॉस भी नहीं होता है, कस्टमर पीछे भी नहीं रहता है, एंड देन उसको पार्टिसिपेशन भी मिलता है इक्विटी साइड का और एक डेट का, उस क्योंकि डेट का भी समावेश होता है तो उसको एक स्टेबिलिटी भी मिलती है पोर्टफोलियो में और डाउनसाइड प्रोटेक्टेड रहती है. तो हमेशा बैफ एज ए कैटेगरी डेफिनेटली आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको डेट से फिक्स्ड इनकम से बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा और इक्विटी से थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा. लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि वॉलिटिलिटी बहुत कम रहेगी कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू द इक्विटी. और ये जो डेट से ज़्यादा रिटर्न भी है वो इक्विटी के टैक्सेशन के साथ में है. तो फ्रॉम अ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न परस्पेक्टिव, टैक्स एफिशिएंसी परस्पेक्टिव, इट इज यू नो वेरी वेरी सुपीरियर, यू नो वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर द इन्वेस्टर. दूसरा, आपने जो प्रश्न पूछा कि किस तरह के इन्वेस्टर्स, मुझे लगता है कि ये हर तरह के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है पोर्टफोलियो में. क्योंकि हमारा ये मानना है कि जैसे हम इक्विटी को एक एसेट क्लास मानते हैं, जैसे हम फिक्स्ड इनकम को एक एसेट क्लास मानते हैं, हाइब्रिड कैटेगरी भी एक एसेट क्लास इन इटसेल्फ है. तो उस श्रेणी में बैलेंस एडवांटेज फंड को भी एक एसेट क्लास की तरह मानना चाहिए और इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कि अपने पोर्टफोलियो में कितना इक्विटी है, कितना फिक्स्ड इनकम है और कितना मेरे पास बैफ जैसे प्रोडक्ट्स हैं
तो उस परिप्रेक्ष्य में इट इज नॉट कॉम्पीटिंग विथ इक्विटी और फिक्स्ड इनकम, इट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द एंटायर एसेट क्लास, और उस तरीके से हमें देखना चाहिए। तो ये बैफ हमारे पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी देता है, इक्विटी हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करें, बट एट द सेम टाइम इक्विटी जैसा रिटर्न या उससे थोड़ा सा कम रिटर्न लेकिन डेट से जैसी स्टेबिलिटी भी पोर्टफोलियो में प्रोवाइड करता है, तो ये विनर है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ओके, सो वॉलेटिलिटी को मात देने में ये सबसे एक अच्छी कैटेगरी हम मान सकते हैं। तो क्या मिस्टर गोयल, क्या ये एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए सही स्कीम हो सकती है? आप सजेस्ट करेंगे कोई जो फर्स्ट टाइम निवेश करना शुरू करना चाह रहा है, एक बिगिनर है, उसके लिए एक अप्रोप्रिएट स्कीम है कैनरा रोबेको बैलेंस एडवांटेज फंड? और क्यों कैनरा रोबेको बैलेंस एडवांटेज फंड, क्योंकि कितने सारे बैफ हैं मार्केट में? सर्टेनली आई थिंक जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बिकॉज आज अगर उनको इक्विटी में आना है तो उनके लिए और उस तरह की रिस्क कैपिटाइट नहीं है, उस तरह का रिस्क वॉलेटिलिटी रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बट जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे लगता है कि हर तरीके के इन्वेस्टर्स, इवन अगर जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि इक्विटी में भी इन्वेस्टेड हैं कम्प्लीटली, उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है पोर्टफोलियो में। इवन जो डेट के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि डेट प्लस आपको रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह के प्रोडक्ट में। तो हर तरीके के निवेशक के लिए ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एवरग्रीन प्रोडक्ट है, ऑलराउंडर फंड है। अगर आज मैं किसी को बात करूं कि कोई एक ऐसा फंड जो कि ऑलराउंडर हो, कि बेस्ट ऑफ डेट, बेस्ट ऑफ ऑल द बोथ द वर्ल्ड्स, फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटी अगर किसी एक प्रोडक्ट में मिल सकता है तो वो बैलेंस एडवांटेज फंड में है। क्योंकि कैनरा रोबेको बैलेंस एडवांटेज फंड कैसे डिफरेंट है, तो जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, एक तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं कैनरा रोबेको की, तो आज एक वी आर वन ऑफ द सेकेंड ओल्डेस्ट एएमसी इन द कंट्री, तो हमारा 30 साल से ज्यादा का विंटेज है एज फार एज इंडस्ट्री इज कंसर्न। तो हमने कई तरीके के, वी हैव सीन ऑल द बुल्स मार्केट, वी हैव सीन ऑल द बियर मार्केट्स, और पूरी जो हमारी इन्वेस्टमेंट टीम है अगर मैं देखा जाऊं तो दोनों साइड में, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसा कैटेगरी है जहां पे कि आपको एक्सपर्टाइज चाहिए इक्विटी में भी और फिक्स्ड इनकम में भी, और दोनों ही साइड से हमारे पास में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट टीम हैज बीन मैनेजिंग दोज फंड्स फॉर मोर देन 30 ईयर्स इन द इंडस्ट्री, मोर देन 200 ईयर्स ऑफ हमारा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है फंड का। और कहीं पे भी अगर आप देखें, इवन ऑन द फिक्स्ड इनकम साइड, कई इस तरह के क्रेडिट क्राइसिस हुआ, चाहे लिक्विडिटी क्राइसिस हुआ, लेकिन कैनरा रोबेको में हमेशा हमने इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट किया, और कहीं भी इस तरह के कोई एक्सीडेंट्स आपको नहीं सुनने में आए होंगे कैनरा रोबेको से। तो फिड्यूशियरी से कैपेसिटी में हमने फंड्स को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है, और हमारा हमारे लिए इन्वेस्टर इज एट द सेंटर ऑफ वॉट एवर वी डू। द सेकेंड पार्ट इज वेन वी लुक एट इन टर्म्स ऑफ जो स्ट्रेटेजी है फंड की, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, तो बड़ी इनोवेटिव स्ट्रेटेजी है जो कि 3 फैक्टर मॉडल जो मैंने आपके साथ शेयर किया, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग और रिस्क प्रीमियम, इन तीनों के समावेश के साथ में फंड मैनेजर को वो गाइड करता है कि कितना इक्विटी एलोकेशन होना चाहिए। तो वो एक स्ट्रेटेजी है जिससे कि इसका जो हार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी है कि अपसाइड में 80% पार्टिसिपेट करेगा बट डाउनसाइड में 60% पार्टिसिपेट करेगा। और इक्विटी मार्केट हमें मालूम है कि हमेशा वॉलेटाइल इन नेचर रहते हैं, दे आर नॉट ऑलवेज यू नो इन स्ट्रेट लाइन, सो दे विल कम विद देयर ओन वॉलेटिलिटी। तो उस वॉलेटिलिटी को कैप्चर करके और उस वॉलेटिलिटी में भी कस्टमर के लिए बेनिफिट किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है उसके एक्सपीरियंस में, वो एक ये फंड प्रोवाइड कर पाएगा। ओके, सो आई वांट टू नो कि अगर कोई निवेश करता है तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि आप अगर एक बैफ स्कीम चुनते हैं, और स्पेशली आपकी बैफ स्कीम अगर कोई चुन रहा है, तो उनको टाइम होराइजन कितना समय देना होगा इस तरह की कैटेगरी में? डेफिनेटली आई थिंक इस तरह की कभी भी कैटेगरी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम 3 से 5 साल का हमारा टाइम होराइजन मिनिमम होना चाहिए। और अगर आप एक 5 साल का टाइम पीरियड देते हैं तो एक फुल साइकिल मिलता है उस फंड को टू गिव यू अ गुड इन्वेस्टर एक्सपीरियंस। ओके, ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच मिस्टर गोयल, बेस्ट ऑफ लक विथ योर न्यू स्कीम। हम विश करते हैं आपको कि निवेशक जो हैं वो इसे पसंद करें, और मार्केट वॉलिटिलिटी से लड़ने में ये आपकी मदद करेगा, मार्केट वॉलिटिलिटी में बेटर रिटर्न देने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर गोयल हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ओके, सो वाकई एनएफओ में कैनरा रोबेको का ये बैलेंस एडवांटेज फंड, इसे हम डिस्कस कर रहे थे किस तरह की स्कीम है ये, किस तरह से निवेश करने वाला है, आपको अपने पोर्टफोलियो में एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि आपको इसकी ज़रूरत है, एक्सपर्ट की सलाह लें और फिर फाइनल डिसीजन लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।